हरियाणा में इन दिनों सीएम फ्लाइंग एक्शन मोड में नजर आ रही है। पूरे हरियाणा में जगह जगह छापेमारी की जा रही है। इसी कड़ी में अंबाला कैंट में भी सीएम फ्लाइंग की छापेमारी हुई, जिसमें अवैध सट्टे का धंधा करते हुए आधा दर्जन लोगों को पकड़ा गया और जिसमें से 5 लोग मौके से फरार हुए हैं। अंबाला कैंट बस स्टैंड के पास की घटना, हरीश कुमार की अगुवाई में सट्टे का कारोबार फरफूल रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी, सीएम प्लाटिंग की टीम गेट तोड़कर अंदर घुसी और वहीं पर से लोगों को किया काबू। हरियाणा में अवैध धंधे करने वालों की अब खैर नहीं। सीएम फ्लाइंग अवैध धंधे करने पर पूरी तरह से नकेल कसने के मूड में नजर आ रही है। अंबाला कैंट बस स्टैंड के नजदीक सट्टे का कारोबार हरीश कुमार की अगुवाई में जोरों से चल रहा था, जिसकी गुप्त सूचना सीएम फ्लाइंग को मिली तो उन्होंने देर रात हरीश कुमार के अड्डे पर छापा मारा और वहां से आधा दर्जन लोगों को सट्टा लगाते हुए काबू किया। वहीं 5 लोग मौके से फरार हो गए। जिन 6 लोगों को पकड़ा गया है उनको स्थानीय पुलिस को सौंप दिया गया है और पुलिस ने पर्चा दर्ज करके कार्यवाही शुरू कर दी है। काबू किए गए लोगों से फरार लोगों के बारे में पूछताछ की जा रही है। वहीं सीएम फ्लाइंग के सब इंस्पेक्टर सिंह ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर छापेमारी करके 6 लोगों को पकड़ा गया है। गेट तोड़कर इन लोगों को मौके पर पकड़ा गया। आगे भी ऐसी कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी। और आप तो सीएम फ्लाइंग स्क्वाड का मेरे पास फोन आया था कि आपके लिए रेड करनी है। सट्टे पर मैं उनके साथ गया था जी। जब मैं उनके साथ गया तो वहाँ पर हमने रेड किया। वहाँ से 6 आदमी हमने ताश खेलते हुए पकड़े हैं, उनको हमने कब गिरफ्तार कर दिया। मैंने पर्चा दर्ज कर दिया, उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी है। उनके नाम है, नाम 6 लड़के 6 आदमी है, विनोद कुमार, और जो ये काम है ये हरीश कुमार का है। नहीं, हमने पहले भी हमने कई बार इनके पास रेड मारी है, हमने पर्चे भी दिए हुए हैं, शायद आपकी नोटिस भी ना हो। पूरी तरह से तो वो तर्क है इस चीज के बारे में। अगर आइंदा भी कोई ऐसी कार्रवाई हमारे सामने आई तो हम पूरी तरह से कार्रवाई अमल में लाएंगे। बिल्कुल सुरक्षित है, गश्त जारी है हमारी लगातार। हम 24 घंटे खुद ड्यूटी देते हैं। बस स्टैंड हमारा एरिया है, एक सस्टील एरिया है और सामने रेलवे स्टेशन है। हर तरह से हम पूरी तरह से मुस्तैद है। वहाँ पर हमारी QRT खड़ी है, PCR है, राइडर है, मैं खुद गश्त करता हूँ वहाँ पर। पता नहीं, बेहतर पहले भी कर रखे हमने, तो आगे भी प्रयास है। पहले भी आगे कार्रवाई की हुई है। ऐसा है, मैं SI सुरेंद्र कुमार CM फ्लाइंग स्क्वाड से जी टीम की मौजूद अपने टीम गठित करके हमें सूचना मिली थी, गुप्त सूचना, और उस गुप्त सूचना के आधार पर हमने टीम तैयार करके यहाँ रेड की थी भाई। करीब 7 बजे भाई आए हैं। हरीश नाम का बंदा है, उसके उसकी निगरानी में ये चला जा रहा था अपने ये जुआ घर, और यहाँ पर मौके से हमें यहाँ गेट तोड़ करके इनको बंदों 6 बंदों को यहाँ से मौके से अरेस्ट किया है। ताश खेलते हुए 7,040 रुपये इनसे रिकवरी हुई है। आगामी कार्रवाई जैसे अफसरों के अधिकारियों के निर्देश के अनुसार कार्रवाई चलती रहेगी। मैं CM फ्लाइंग स्क्वाड।